नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रियासना आपके साथ है। सासाराम में आज छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई है। बताएं आपको कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को 12 अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद से अब छात्रों के बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां छात्र पत्थरबाजी करते भी नजर आए, वहीं दूसरी तरफ छात्रों के बीच में गुस्सा भी देखने को मिला। हम आपको सुनाएंगे कि छात्रों ने क्या कुछ कहा है, और एक तरफ जहां यह कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, वहीं छात्रों का साफ तौर से कहना है कि कोरोना तब कहां होता है जब इलेक्शन या फिर सरकार की तरफ से कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना होता है, तब कोरोना भाग जाता है। यह केवल सरकार की साजिश है। आप भी सुनिए कि छात्राओं और छात्रों ने क्या कुछ कहा है। वहां और भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। अधिकारी मीटिंग करवाते हैं विधानसभा, उसमें सोशल डिस्टेंस नहीं होता, उसमें जो है लोग पूरा जमघट लगाया रहता है, उसमें कहा जाता है आपका ये। और जब हम लोग सोशल डिस्टेंस प्रॉपर मास्क लगाते जो क्लास चला रहे हैं, तब पर भी जो यहाँ पर सरकार की मनमानी, हमारे प्रशासन की मनमानी होती रहती है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग टच कर रहे हैं, आज इतना भीड़ बार बाजार गई निकलिए, पूरा वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं है, क्लास में कोरोना हो जाएगा। कहीं ये बात तो नहीं सरकार की साजिश है इन बच्चों को जो है? बिल्कुल सरकार की सबसे बड़ी साजिश है, बिना पढ़े इन लोग सरकार क्या करेगा? जिस टीचर ने आप लोग को पढ़ा लिखा करके तो आपने सुना कि कोरोना को लेकर बंद करने के आदेश पर छात्रों का क्या कहना है। छात्रों को कहना है कि कहाँ जाता है वो सोशल डिस्टेंसिंग, जब बस में लोग ट्रैवल कर रहे होते, सभी जगह भीड़ तो है, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल से क्या दुश्मनी है गवर्नमेंट को, ये सब कुछ उन्होंने कहा है। हालांकि यह बात सत्य भी है, एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं कि जिन जगहों पर इलेक्शंस हैं जैसे कि बंगाल, असम, इन सभी जगहों पर कोई भी गाइडलाइंस फॉलो करने की कोई बात नहीं कही जा रही, लेकिन यहां यानी कि जिन जगहों पर ऐसी कुछ घटना नहीं होनी है, उन जगहों पर सरकार द्वारा नए नए आदेश गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। कोचिंग संस्थान बंद करवाए जा चुके हैं, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद करवाए जा रहे हैं। ऐसे में चिंता बढ़ गई है, खासतौर से स्टूडेंट्स की, क्योंकि ऑलरेडी एक साल उन्होंने झेला है और पढ़ाई हैम्पर हुआ है उनका, और यही वजह है कि 10वीं 12वीं परीक्षा में छात्र जो हैं वो उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर कितना वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ये हम सब समझते हैं, क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट होकर पढ़ाई करना एक अलग बात होती है और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना एक अलग पॉइंट होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।